और सवाल को शामिल करते हैं। हमारे पास हमारे साथ व्हाट्सएप पर सवाल आया है मुंबई से राहुल कुमार जी का। बालाजी एमआईएस के शेयर्स हैं इनके पास, 400 शेयर्स हैं और इन्होंने 350 पर लिया हुआ था। स्टॉक में अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको, हालांकि स्टॉक और ऊपर गया था, इनको तो मुनाफा काफ़ी अच्छा हो रहा होगा। 2700 के पार भी निकला था ये स्टॉक, वहाँ से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अभी भी इन्हें अच्छा गेन हो रहा है, करीब 8 लाख से ज़्यादा का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। बात नहीं हो पाई इनकी इनके साथ, लेकिन अच्छा सिलेक्शन है और अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की थी। मुझे लग रहा है 2020 के आसपास की एंट्री होगी, वहाँ से ही हमने देखा कि स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। नितिनेश जी, क्या सलाह होगी बालाजी एमआईएस में और तेज़ी के लिए अभी वेट करें? देखो, पहले तो बधाई देना चाहूंगा कि इतना आपने स्टॉक को होल्ड किया है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा सा पोटेंशियल बाकी है, लेकिन ऊपर में एक हर्डल है 2430 2440, ये लेवल को निकालता है तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउनसाइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है 2280 से लेके 2250, ये अगर लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है डिसाइसिवली तो एक बार के लिए पोजिशन को हल्की कर लेना चाहिए, लेकिन जब तक 2250 इंटैक्ट है तब तक आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चल सकते हो। 2450 निकलने के बाद फिर से मुझे लग रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होगा, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को 2350 के आसपास ट्रेल करके चल सकते हो। फिर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना है, फिर ऊपर के साइड में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन डाउन साइड में 2250 2280 ये लेवल को अवॉइड ना करें, इसके नीचे थोड़ा सा वीकनेस फिर 1700 से लेकर 1800 ये लेवल से देखने को मिल सकता है। फरदीन हमारे साथ हैं। फरदीन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, सर मेरे पास माइग्री स्पेशल केमिकल लिमिटेड शेयर है 101, 252 के भाव पे है, तो अभी मेरे को होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए सर? फरदीन आपने आपने कब लिया, 2-3 महीने पहले आपने ये खरीदारी की है? जी हाँ सर, दो महीने पहले। दो महीने पहले हिमाद्री केमिकल विवेक गजब की चाल रही है, और वैसे कई बार स्टॉक पर आपसे चर्चा हुई है, और 80 रुपये का इसका भाव था लास्ट ईयर, और वहाँ से अब देखिए 366, मतलब कमाल का मल्टीवैगर। और हाल फिलहाल जो इसमें रनअप हुआ है, अभी इन्होंने एक लिथियम आयन बैटरी कंपोनेंट की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का ऐलान किया था, उसके बाद इसमें और जोश बढ़ गया, 366 पर है, इनको प्रॉफिट हो रहा प्रति शेयर 100 रुपये से ज़्यादा का विवेक, लेकिन क्या आप मुनाफा वसूलने की सलाह देंगे, या फिर चूंकि पोटेंशियल आगे काफी ज्यादा अनलॉक होने वाली है तो निवेशित रहना बेहतर रहेगा? नेप्थलीन का ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, कोल पिच का ये सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, इनफैक्ट मतलब दोनों ही स्पेशलिटी केमिकल्स में आते हैं, और स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अभी तक वो जो रिकवरी देखने को मिलनी थी वो अभी तक मिली नहीं है। ये जो इसमें रिकवरी आई अब तक की, वो ऑफकोर्स आपने भी कारण बताए, उन कारणों से आई है, और लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के इसमें और संभावना है, तो यहाँ पे ऑन एवरी डिप की किसी को अगर बाइंग भी इंटरेस्ट हो ना, तो एवरी डिप लेना चाहिए स्टॉक को। पेयर ग्रुप से थोड़ा सा महंगा दिखता है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से ये आगे चल के आपको फेयर वैल्यूएशन में वापस दिखने लग जाएगा, तो होल्ड की ही सलाह रहेगी थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए, और जब रिकवरी आएगी स्पेशलिटी केमिकल्स में आपको ये फायदा वो भी देगा। आदर स्पेशलिटी थोड़े से वैल्यूएशन महंगे हैं, लेकिन जैसे जैसे कारोबार की क्षमता बढ़ेगी ना, वैल्यूएशन वो एडजस्ट होते जाते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो क्षमता बढ़ा दीजिए, बिजनेस के मौके बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा नीचे जब शेयर करेक्ट होता है तो वैल्यूएशन थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, तो दूसरा वाला तरीका ठीक है, ग्रोथ वाला, उस पर ये कंपनी जाएगी, और निश्चित तौर पर आपको निवेशित रहने की सलाह है। कोई करेक्शन अगर आता है तो मौके बल्कि बनेंगे नए निवेशकों के लिए शेयर में एंट्री करने का।